आगरा में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने से भी नहीं डर रहे हैं। ऐसा ही एक और ताजा मामला थाना फतेहाबाद के गांव बमरौली में सामने आया, जहां अवैध तरीके से बालू का खनन कर ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बेखौफ खनन माफिया के गुर्गों ने फायरिंग और पथराव कर दिया। अचानक हुए हमले से पुलिस टीम में खलबली मच गई। पुलिस जब तक जवाबी कार्यवाही कर पाती, उससे पहले ही खनन माफिया के गुर्गे बालू से लदी ट्रॉली को छोड़कर ट्रैक्टर को लेकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा खनन माफियाओं के खिलाफ की गई इस कार्यवाही का स्थानीय लोगों ने विरोध किया और खनन माफिया के गुर्गों को भगाने में उनकी मदद की। पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 महिलाओं सहित 16 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। CO फतेहाबाद विकास जायसवाल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्यवाही की जाएगी। आगरा में खनन माफियाओं द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमले का कोई पहला मामला नहीं है। 16 जुलाई को भी खनन माफियाओं के गुर्गों ने जगनेर के सरिंधी में SDM और CO पर फायरिंग कर दी थी। इससे पहले अचनेरा में सिपाही के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, जिसमें सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया था। एक तरफ आगरा के SSP बबलू कुमार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ खनन माफिया पुलिस टीम पर फायरिंग और जानलेवा हमला कर आगरा पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। आगरा पुलिस ने अगर समय रहते बेखौफ हो चुके खनन माफिया और उनके गुर्गों पर अंकुश नहीं लगाया तो कानपुर के बिकरू गांव की घटना एक बार फिर सामने आ सकती है। किस तरह का मामला है? मामला देखिए, कल एक सूचना मिली कि कुछ लोग ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से खनन का जो सामान है वो परिवहन कर रहे हैं। इस सूचना पे मौके पर पुलिस पहुंची तो वहाँ देखा एक ट्रैक्टर भर के जा रहा था, उसका पीछा किया तो वो लोग एक ट्रैक्टर छोड़ के भाग गए और ट्राली छोड़ के भागे और ट्रैक्टर लेके चले गए। जब उस ट्रॉली को ला रहे थे हम तो पुलिस का वहाँ के लोकल लोगों ने विरोध किया, जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और टोटल 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा है और कुछ अज्ञात भी। ये बताया जा रहा है उसमें कि जो पुलिस तो फायरिंग हुई है, पता हुआ है इसका क्या हुआ? हाँ हाँ, जो ये घटना हुई है ये पूरी, क्योंकि हमारी ही पुलिस थी वहाँ पे और उनकी तरफ से ही अभियोग पंजीकृत कराया गया है। वो चश्मदीद भी हैं इस चीज़ की, जो बात वहाँ पे हुई उससे अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये फायरिंग हुई है सर पुलिस पर? हाँ बिल्कुल फायरिंग हुई है, अगर फायरिंग नहीं होती तो मुकदमा क्यों लिखा जाता है?